देखते ही अल्लू सर ने बोला <laughs> समझ फ्लावर समझाए क्या समय था जब बिहार में साउथ के कलाकार बॉलीवुड के कलाकार नजर नहीं आ रहे सालों बाद जमाने बाद अपने पटना वासियों को हाँ। गांधी मैदान में देखकर मतलब मेरा तो सपना था भोजपुरी में देखा जाता है कि अक्षरा सिंह का जलवा देखने को मिलता है क्या अक्षरा सिंह अब साउथ के फिल्मों में भी नहीं। <laughs> नहीं नहीं। कुछ भी तो हम बिहारियों के लिए भी यू you नो know, उनके लिए भी प्राउड की बात है कि वो बिहार में आ रहे हैं और हमारे लिए भी ये गर्व की बात है कि कोई बाहर से हमें इतना सम्मान देने सलमान खान शाहरुख खान आमिर खान जैसे अक्षय कुमार जैसे बड़े बड़े एक्टर भी पटना में देखिए आप सभी को पता है की साउथ के सुपर स्टार अर्जुन और रश्मिका जो है अपने पुष्पा टू के प्रमोशन के लिए पटना पहुंचे और इस दौरान बिहार के लिए सबसे गर्व की बात यह कि बिहार के बेटी अक्षरा सिंह भी उस मंच पे नजर आई बाकी हमारे साथ जुड़ी है खुद बात करेंगे बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत शुक्रिया आ, क्या कहना चाहेगी बिहार में देखा जाए तो इकलौती ऐसा भोजपुरी की एक्ट्रेस जो कही कहीं ना कहीं बड़े मंच पे साउथ के कलाकारों के साथ नजर आई I mean I'm blessed and grateful कि ये अपॉर्चुनिटी ही है कि बींग बिहार की बेटी हाँ। अगर कुछ रिप्रेजेंट करने का या कुछ भी यू नो छोटा मोटा भी काम करने का मौका मिलता है तो इट्स प्लेजर आई मीन मुझे बहुत अच्छा लगा और सालों बाद जमाने बाद अपने पटना वासियों को हाँ। गांधी मैदान में देखकर मतलब मेरा तो सपना था हाँ। मेरा सपना था कि मैं पटना वालों को गांधी मैदान में स्टेज से फेस करूँ हाँ, और से आपका सपना था और सपना जो है पूरा इसलिए हो गया क्योंकि मैं इंसिडेंट बताती हूँ 2010 में एक इवेंट हुआ था यहाँ पर अच्छा। सुर संग्राम का एंड दैट टाइम एक फिल्म की बात चल रही थी सत्यमेर जैते अच्छा। और मैं डेब्यू करने वाली थी और तब मैं गई थी गांधी मैदान एंड इट वॉज लाखों का भीड़ सामने देखने को मिला और उस और समय अक्षरा सिंह जो है लाखों लोगों के सामने मतलब बिल्कुल और वो देखकर मैं कामना करती थी कि कब मैं आ, अपने पटना वालों को ऐसे मंच पर एज अ सेलिब्रिटी एज हीरोइन कैसे मुझे ये मौका मिलेगा ये समय था जब बिहार में साउथ के कलाकार बॉलीवुड के कलाकार नज़र नहीं आ रहे थे लेकिन आज देखा जा रहा है कि अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए राजधानी पटना में आ रहे हैं इससे बिहार का मान सम्मान कितना बढ़ने वाला है आई मीन डेफिनेटली बिहार के लोगों का या बिहार के लिए आई मीन I mean, ये बहुत अच्छी बात है कि कोई बाहर से आपके पास आ रहा है और एज अ गेस्ट आ रहा है और बिहारी तो सब सम्मान देने में और अपने गेस्ट को प्यार देने में तो आगे शुरू से आ, आगे से पहले भी देखा गया कि अलू अर्जुन और रश्मिका मंदाना का पहला फिल्म जो था पुष्पा वो भी काफी सुपरहिट हुआ और, और सबसे बड़ी बात है कि हिंदी वर्जन में जो है एक करोड़ का कलेक्शन हुआ ऑफकोर्स और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फिल्म बॉलीवुड से लेके साउथ की फिल्म या जो भी आज तक की सारी फिल्मों को सबसे ज्यादा अगर किसी ने पसंद किया है या फिल्म कोई चलाने वाला है तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा बिहारी होते हैं जो फिल्म चला के लोग काफी मतलब पसंद करते हैं बाहर के डेफिनेटली तो और आ, आ, मैं आ, उम्मीद करती हूं कि रश्मिका जी और आ, अल्लू सर को भी बहुत अच्छा लगा होगा मिल के तो। आ रही है अल्लू सर और रश्मिका जी से क्या मतलब रिएक्शन था उन लोगों का भोजपुरी के आ वेरी क्यूट और मुझे देखते ही अल्लू सर ने बोला व्हाट एन एनर्जेटिक परफॉर्मेंस तो वो सुन के मुझे बहुत प्राउड फील हुआ दैट कि हर कलाकार मेहनत करता है यू नो यू नो एक मुकाम बनाने के लिए और जब आपको लोग सराहते हैं तो वो एक तरीके से यू नो अपने लिए जस्टिस होता है या जस्टिफाई करता है तो बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा मुझे लगा। अच्छा लगा अच्छा क्या लगता है कि भोजपुरी में देखा जाता है कि अक्षरा सिंह का जलवा देखने को मिलता है क्या अक्षरा सिंह अब साउथ के फिल्मों में भी नहीं <laughs> नहीं नहीं देखिए यू नेवर नो मैं अभी फिलहाल सिर्फ मेहनत कर रही हूँ मेहनत कर रही हूँ मेहनत करती ही रहूंगी अच्छा, पुष्पा फिल्म वाला जो डायलॉग है अभी आप कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर अपलोड की थोड़ा सा चाहेंगे कि मुझे ने? मुझे अल्लू सर ने सिखाया छुकेगा हाँ। <laughs> <laughs> डायलॉग जो है काफी हाँ पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा है क्या <laughs> बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी जब पुष्पा रिली, रिलीज नहीं हुआ है ट्रेलर मतलब रिलीज हुआ है तो इस समय इतना जलवा देखने को मिल रहा है जब फिल्म आएगा तो सबसे बड़ा जो है हिट होने वाला आपको क्या लगता है एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली जो पुष्पा फिल्म जो बनी है फर्स्ट भी वो बहुत अमेजिंग बनी है और इसमें कहीं से कोई दोराय नहीं है कि साउथ की फिल्में बहुत ही अमेजिंग बनती है और यू नो बहुत बड़े पैमाने पे बनती है yeah. टेक्निकली वो लोग बहुत साउंड हैं yeah. तो इस वजह से कंपेरेटिवली टू बॉलीवुड ह्यूज डिफरेंस है yeah. तो लगता है कि बॉलीवुड से भी ज्यादा मतलब ये कलेक्शन uh, करेगा डेफिनेटली yeah. और करता भी है बहुत सारी फिल्में की भी हैं और कर भी रही हैं एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि पुष्पा टू भी बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स के साथ आए yeah. कोई बाहर से आ रहा है आपके क्षेत्र में आपकी जगह पे आ, अपने फिल्म को लेकर या कुछ भी तो हम बिहारियों के लिए भी यू you नो know, उनके लिए भी प्राउड की बात है कि वो बिहार में आ रहे हैं आ, और हमारे लिए भी ये गर्व की बात है कि कोई बाहर से हमें इतना सम्मान देने आ, या हमारे बीच मर, बीच में आता है तो हमें और आशीर्वाद और हमें और यू you नो know, फेमिलियर उनको करके अच्छा, भेजना चाहिए लगता है आपको कि जिस तरीके से पटना में आए अलू अर्जुन और रश्मिका मंधन अब सलमान खान शाहरुख खान आमिर खान जैसे अक्षय कुमार जैसे बड़े बड़े एक्टर भी पटना में आएंगे मैं चाहती हूँ कि पटना में हर बड़े आर्टिस्ट आए और यू नो खूब प्यार पा कर जाएं। फिल्में भी बनती है, लेकिन जितना दायरा ही बहुत कम है तो उस हिसाब से भोजपुरी बनती है अच्छा, तो मतलब भोजपुरी में जो है थोड़ा सा बजट कम, कम है ना और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि कंट्रोवर्सी वगैरह भी काफी देखने को मिलता है ये चीजें में भोजपुरी जो है सब कुछ कंट्रोवर्सीज़ <laughs> तो बहुत ज्यादा हैं पर आ, क्या बोल सकते हैं I mean, आई मीन सारे लोगों को सभी कलाकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ ना एकता नहीं है आई I मीन mean, बाकी अदर इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि कोई एक ग्रो करता है ना तो सब सपोर्ट करते हैं कि यार खासकर साउथ you know? में देखा जाता है कि बड़े कलाकार जो है अपने से छोटे स्तर के कलाकार हाँ, को मौका पर, देते हैं पर यहाँ यहाँ पे सबसे आ, यही नेगेटिव और दुखद बात यही है कि यहाँ कोई कलाकार बढ़ता है या उसकी कोई फिल्म चल रही है या उसे कोई यू नो नया मौका मिलता है तो उसको सब पीछे खींचने लगते हैं बड़का नाम करिए बड़का तो ये वाला एटीट्यूड बहुत ही गंदा है आई मीन वी शुड थिंक अबाउट अस हम सबको मिलके हाँ। एक दूसरे को पुश करना चाहिए एक दूसरे के लिए खुश होना चाहिए तब जाके भोजपुरी भी ऐसे ही ग्रो करेगा अच्छा एक चीज़ है बस अंत में हम ये पूछना चाहेंगे जब आप मुलाकात की क्या भोजपुरी को लेकर आप पूछिए कि हाँ भोजपुरी को लेकर क्या भोजपुरी फिल्में आप लोग देखते हैं भोजपुरी नहीं मैंने उनसे मतलब उन्होंने पहले ही रिकॉग्नाइज किया मुझे ये बेहद बड़ी बात है ना हाँ। अगर उन्होंने बोला अक्षरा यू द बेस्ट तो ये मैं मैं गदगद हो गई मतलब uh, I mean, गाना जो आपका इस समय हर जगह रील्स में देखा जा रहा है इंस्टाग्राम सोशल मीडिया यूट्यूब सु क्या खाके इनको पैदा किया चलिए बाकी अक्षरा जी हमारे साथ आप जुड़ी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर बाकी आपने देखा होगा कि इससे पहले भी लगातार आपको वीडियो देखने को मिलता होगा कि साउथ के कलाकार बिहार में जो है अपने फिल्म पुष्पा टू के प्रमोशन के लिए आने वाले हैं और आज आए और सबसे बड़ी बात तो बिहार के लिए ये रहा कि बिहार की बेटी अक्षरा सिंह को भी उस मंच पे मौका मिला तो इन सारे चीजों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अक्षरा सिंह जी जुड़ी थी बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय में जरूर दें आप हमारे साथ जुड़े रहें बहुत बहुत 残念はい。